जब भी ट्यूलिप के फूलों से भरे गार्डन का जिक्र होता है तो सबसे पहले कश्मीर का नाम ही जहन में आता है। लेकिन इन शानदार फूलों का दीदार करने के लिए कश्मीर जाने में कभी बर्फबारी तो कभी किसी और कारण से जाना कैंसिल हो जाता है। लेकिन अब ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर का रुख भी कर सकते हैं। CSIR IHBT संस्थान पालमपुर में खिले ट्यूलिप फूल कश्मीर का एहसास दिला रहे हैं, जो दूर से देखने में बिल्कुल फूलों के कालीन जैसा ही सुंदर दिख रहा है। ISIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में अलग अलग किस्मों के ट्यूलिप के पौधे लगाए हैं, जिसका नजारा बेहद ही अद्भुत है। इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से हिमाचल घूमने आए पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। यह ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से स्वदेशी ट्यूलिप पौधे से विकसित किया गया है। बता दें कि ट्यूलिप हॉलैंड में बहुत तायात में पाया जाता है। खास बात ये है कि इस पुष्प का गहरा रंग और सुंदर आकार लोगों को आकर्षित करता है। ये अपनी समरूपता के लिए विश्व भर में विख्यात है। इसकी कई खूबसूरत प्रजातियां भी हैं। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि संस्थान द्वारा की गई मेहनत रंग लाई है। और धूलाधार की वादियों में ट्यूलिप गार्डन ने 4 चांद लगा दिए हैं। हाल ही में लद्दाख और कारगिल में ट्यूलिप का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। इस साल मंडी और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में भी ट्यूलिप का ट्रायल शुरू किया जाएगा। तो फिर देर मत कीजिए, अगर ट्यूलिप के इन बेहद सुंदर रंग बिरंगे फूलों को देखना है तो जल्द ही हिमाचल प्रदेश में घूमने का प्लान बना लीजिए।